नमस्कार, मैं गरिमा खरे और आपका स्वागत है IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1965 में मैपल के पत्ते को कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला था। 28 जनवरी 1965 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के उद्घोषणा द्वारा नए मैपल लीफ ध्वज को आधिकारिक रूप से बनाया गया था। उस वर्ष 15 फरवरी को संसद हिल पर एक सार्वजनिक समारोह में इसका उद्घाटन किया गया था। हजारों कैनेडाई रेड एंसाइन के रूप में एकत्रित हुए और दोपहर के समय कनाडा के नए राष्ट्र ध्वज को फहराया गया। आज ही के दिन 1976 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। केंद्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में स्थित एक कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा विकास का संस्थान है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को हुई थी। यह 150 एकड़ जमीन में फैला शोध केंद्र किसानों के लिए उच्च स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के बारे में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण की जानकारी प्रदान करता है। आज ही के दिन 1564 में महान खगोलशास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ था। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रेक्षण, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और बृहस्पति के चार उपग्रहों, प्राय गैलीली उपग्रह के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शुक्र की कलाओं का अवलोकन किया और सौर धब्बे के अध्ययन से सूर्य की घूर्ण गति का पता लगाया। सन 1642 में गैलीलियो की 8 जनवरी को मृत्यु हो गई। आज ही के दिन 1869 में महान उर्दू कवि और लेखक मिर्जा गालिब का निधन हुआ था। मिर्जा गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यद्यपि इससे पहले वे वर्षों में मीर तकी मीर भी इसी वजह से जाने जाते हैं। गालिब को भारत और पाकिस्तान में महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें दबीर उल मुल्क और नज्म उद्दौला का खिताब मिला। आज ही के दिन 15 फरवरी 2015 में अभिनेत्री मनोरमा का निधन हुआ था। मनोरमा हिंदी फिल्मों की एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायिका और हास्य चरित्रों को साकार किया था। उनकी कुछ चर्चित फिल्मों में सीता और गीता, एक फूल दो माली, दो कलियां, कारवा आदि थी। उनकी अंतिम फिल्म दीपा मेहता की वाटर थी, जिसमें उन्होंने विधवा आश्रम की मुखिया की भूमिका निभाई थी। शुक्रवार 15 फरवरी 2008 को उनका निधन हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 15 फरवरी दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिकता। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाई से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी, बसंती तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला, काला तथा निषेध रंग पीला व सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला व लाल। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आप आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला, सफेद तथा निषेध रंग हरा व लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला व सफेद।
तुला आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस, घर, सभी जगह आपके लिए सुखकारक होंगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद, काला तथा निषेध रंग पीला व गुलाबी। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चे के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। भारी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले, लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग है। शुभ रंग बसंती, सिलेटी तथा निषेध रंग काही व हरा। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है, डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला हरा तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल व गुलाबी। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करे। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती, सिलेटी तथा निषेध रंग हरा व जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।